नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हल्द्वानी में दिन बर दिन जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज नीरज भाकुनी ने चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, जाम की समस्या के मामले में डीएम वंदना सिंह का कहना है कि जल्द ही लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही डीएम ने कहा कि उन्होंने हल्द्वानी के कई क्षेत्रों का मुआयना किया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण से लेकर कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार हो रहा है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष है, मगर इसे दूर करने के लिए और प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस पर शीघ्र निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। वहीं आज हल्द्वानी में फिर जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे में अत्यधिक भीड़ और जाम लगने की स्थिति में पुलिस ने रोडवेज के बाहर से चेकिंग अभियान चलाया ताकि लोगों को भीषण गर्मी के दौर में जाम की समस्या से जूझना ना पड़े। इस दौरान बनभुलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, चेकिंग अभियान के दौरान एसएचओ नीरज भाकुनी ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान 4 टैक्सियों को सीज किया गया है, साथ ही 9 से 15 लोगों का चालान भी काटा गया है। वहीं आपको बता दें, शहर में इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।